हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 ऑफ इवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। मैंने डिस्कस किया था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इट मीन्स दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट राइट, इफ देयर इज नो इवोल्यूशनरी चेंज, इट मीन्स in a population if there is no evolutionary change, it means that population is in genetic equilibrium। अगर कोई भी evolutionary change नहीं होता है तो population genetic equilibrium में रहती है। तो population will be in genetic equilibrium if there is no evolutionary change। अगर कोई evolutionary change नहीं है तो population genetic equilibrium में रहेगी। ये Hardy-Weinberg principle था। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है जहां पे एलिलिक फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट होती है और जहां पे जीन पूल कांस्टेंट होता है। एलिलिक फ्रीक्वेंसीज और जीन पूल आई ऑलरेडी डिस्कस इन माय लास्ट क्लास। और एक चीज और यहां पे Hardy-Weinberg प्रिंसिपल कहता है कि यहां पे जो जीन पूल है वो और एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसको हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताया था जो कि ये इंडिकेट करता है सम ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उनका जो सम होता है वो हमेशा वन होता है। अगर इस वैल्यू में कोई भी चेंज या कोई भी डेविएशन देखा जाता है तो इवोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं, यानी कि इवोल्यूशन टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन Hardy-Weinberg प्रिंसिपल, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है Hardy-Weinberg प्रिंसिपल दैट रिजल्ट टू चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं, और अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी तो इवोल्यूशन टेक प्लेस करेगा। तो ये Hardy-Weinberg प्रिंसिपल कहता है। अब देखा जाए तो Hardy-Weinberg प्रिंसिपल नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं है जहां पे इवोल्यूशन नहीं होता है। इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इवोल्यूशन इज ए काइंड ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जहां पे इवोल्यूशन टेक प्लेस नहीं करता है। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट रहना पॉसिबल ही नहीं है, जो कि Hardy-Weinberg का प्रिंसिपल ये कहता है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट रहता है अगर कोई इवोल्यूशनरी चेंज ना हो। तो इवोल्यूशनरी चेंज तो कंटिन्यूअस होता रहता है, जितनी भी लाइफ फॉर्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी में कंटिन्यूअसली इवोल्यूशनरी चेंज टेक प्लेस करता है। और अगर सभी में कंटिन्यूअसली इवोल्यूशनरी चेंज टेक प्लेस करता है तो वहां पे जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाता है, वहां पे वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है और वो वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को बदल देते हैं, यानी कि Hardy-Weinberg प्रिंसिपल को डेविएट कर देते हैं, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि Hardy-Weinberg प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो लिसन केयरफुली। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग Hardy-Weinberg प्रिंसिपल, माई नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग Hardy-Weinberg प्रिंसिपल, Hardy-Weinberg प्रिंसिपल। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग Hardy-Weinberg प्रिंसिपल, Hardy-Weinberg प्रिंसिपल्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि Hardy-Weinberg प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करते हैं। So the factors which affect the Hardy-Weinberg principle, जो कि Hardy-Weinberg principle को affect करते हैं, that I'm going to discuss। इसमें सबसे पहले आता है जीन फ्लो, या फिर ये कहिए जीन माइग्रेशन। दिस इज द मेजर फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस द Hardy-Weinberg principle। इसके अलावा सेकेंड इज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, इसके अलावा म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड लास्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन। ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि Hardy-Weinberg प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन की हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो या फिर जिसको आप जीन माइग्रेशन भी कहते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन? दीज ऑल फैक्टर्स आई विल डिस्कस इन डिटेल टुडे। जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं,
यानी कि जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन का क्या मतलब है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। इफ ए सेक्सल ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर एक पॉपुलेशन का सेक्शन माइग्रेट करके एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में एंटर कर जाता है तो वो वहां जाके उस पॉपुलेशन के साथ इंटरब्रीडिंग करेगा और इंटरब्रीडिंग करेगा वहां पे जाके मेटिंग करेगा, तो उससे क्या होगा, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है वो बदल जाएगी, जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाएगी। तो जीन माइग्रेशन का मतलब होता है जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन दी पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन के बीच में जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि जीन का माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दूसरे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के साथ जाके जो है मिल चुका है, तो वहां पे जाने के बाद वहां पे जाके वो मेटिंग करेगा, वो पॉपुलेशन मेटिंग करेगी और मेटिंग करने की वजह से नई जेनेटिक वेरिएबिलिटीज डेवलप हो जाएगी और वहां पे जो है पुरानी जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरीके से जीन फ्रीक्वेंसीज और एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसे आप फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। इसलिए ये जो है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो बदल जाती हैं। तो आपको याद रहे जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशंस। दो पॉपुलेशंस के बीच में जो जीन एक्सचेंज हो रहा है उसे आप जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन कहते हैं, राइट? दिस इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ और द मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ वन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इनटू वन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इनटू अनदर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। अगर एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन में, राइट, वन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इनटू अनदर पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन में माइग्रेट करके चली जाती है तो वहां पे उनके जीन एक्सचेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनटू अनदर पॉपुलेशन। तो वहां पे जाके क्या होगा, अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन किसी बड़ी सी पॉपुलेशन से, एक पर्टिकुलर सेक्शन या एक कुछ कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल कर जाते हैं, आर यू गेटिंग ऑर नॉट, सपोज दैट इंडिया से कुछ लोग गए और कनाडा में जाके परमानेंटली सेटल हो गए या यूएस में जाके सेटल हो गए, तो वो यहां से अपने साथ उनमें जो प्रेजेंट रहने वाले जीन्स है उनको भी उस पॉपुलेशन में लेके गए। तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगी ऐसे मेंबर्स की, लेकिन वहां पे जाने के बाद मेटिंग करेंगे तो वहां की एलिलिक फ्रीक्वेंसीज के चेंजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मेटिंग करेंगे दूसरी पॉपुलेशन के साथ, तो वहां पे एलिलिक फ्रीक्वेंसीज बदल जाएगी, जिसकी वजह से हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट होगा और इवोल्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे। आर यू गेटिंग ऑर नॉट? तो ये था जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, राइट? तो सच पॉपुलेशन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद अनदर डिफरेंट पॉपुलेशन, जो कि डिफरेंट पॉपुलेशन है, दैट रिजल्ट्स टू चेंज एलिलिक फ्रीक्वेंसीज। तो उसकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसीज बदल जाएंगी और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस होगा। तो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो है ये। इसके बाद है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस डेवलप होता है और रिकॉम्बिनेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, दिस इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन, और यू कैन से वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिकॉम्बिनेशन डेवलप होना कंपलसरी है और उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन डेवलप हो जाएंगे और वहां पे अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो बदल जाएंगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी, राइट, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस होता है। मैंने बताया कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल एक तरीके से ये एक इमेजिनरी प्रिंसिपल है, ऐसा कभी एग्जिस्ट
ऐसी ऐसे प्रिंसिपल का कभी एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि इवोल्यूशन ना हो, और ऐसा होगा ही नहीं कि किसी पॉपुलेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज बदलेंगी, और एलिलिक फ्रीक्वेंसीज बदलेंगी तो इवोल्यूशन होगा, राइट? तो ये अपने आप में एक इमेजिनरी लॉ है। क्या है ये? एक इमेजिनरी प्रिंसिपल है जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? बट इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई और टू डिटरमाइन और टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को आप मेजर कर सकते हैं हार्डी वनबर्ग प्रिंसिपल के डेविएशन के हिसाब से। जितना ज्यादा इस प्रिंसिपल में डेविएशन होगा, राइट, उतना ही ज्यादा इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो याद रहे इसको, सो लिसन केयरफुली, इसको इसलिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, इससे भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस होता है। द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, आपको पता है, आपने पढ़ा है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है, और ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये बाय मियोसिस प्रोसेस होता है। तो मियोसिस प्रोसेस के दौरान रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करता है। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिकॉम्बिनेशन, राइट? 11th क्लास में आपने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है बिटवीन टू क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल एंड पैटर्नल दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है, दैट रिजल्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और अगर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बनेंगे तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करेगा, एंड दैट रिजल्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन, जो कि नया कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिकॉम्बिनेशन, तो ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? उसको डेविएट करता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद थर्ड पॉइंट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन वाला पॉइंट मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, प्लीज लिसन केयरफुली। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, so I am talking about genetic drift. What is genetic drift? मैंने बताया हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में जीन माइग्रेशन बताया और जीन फ्लो बताया। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो की वजह से एक्सचेंज ऑफ जीन होता है बिटवीन दी पॉपुलेशन, उसकी वजह से नए वेरिएबल करेक्टर्स डेवलप होते हैं, नया कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पॉपुलेशन का सेक्शन दूसरी पॉपुलेशन में जाके जब मिल जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और नए वेरिएबल करेक्टर बनेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? एलिलिक फ्रिक्वेंसीज बदल जाएंगी, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स बनेंगे, एलिलिक फ्रिक्वेंसीज बदल जाएगी, और एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस हो जाएगा। Is that clear? तो ये बताया था मैंने आपको जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस होता है, नए कंबाइंड करेक्टर बन जाते हैं, नए करेक्टर बन जाएंगे तो न्यू एलिलिक फॉर्म डेवलप हो जाएगी और उसकी वजह से भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज
बदल जाएंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दोनों केस में ही डेविएशन हो जाएगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का। ऐसे ही यहाँ पे जो तीसरा करेक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसकी वजह से भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज बदलती हैं। एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आता है जैसे बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आता है। तो ये अदर फैक्टर्स से किस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट डिफरेंट है ये आपको समझना है। लिसन केयरफुली, जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज द सडन चेंज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अगर बाय चांस एकदम से कोई चेंज आ जाता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी में या किसी पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएबिलिटी में एकदम से कोई चेंज आता है, आर यू गेटिंग ऑर नॉट, बाय चांस एकदम से अगर कोई चेंज आ जाता है किसी भी पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएबिलिटी में, दैट यू कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है चेंज बाय चांस इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। सो दिस इज द चेंज बाय चांस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी और इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दैट यू कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? दिस इज सडन चेंज बाय चांस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज और जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी में अगर सडनली कोई चेंज आ जाता है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सडन चेंज बाय चांस, तो सडन चेंज बाय चांस इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दैट यू कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको आप जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो याद रहे ये आपको, सो सडन चेंज बाय चांस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज और जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जिसे आप जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कितने टाइप का होता है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, जेनेटिक ड्रिफ्ट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। वन इज बॉटल नेक इफेक्ट एंड अनदर इज फाउंडर इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, मैंने बताया आपको जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, सडन चेंज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी बाय चांस। बाय चांस सडनली जेनेटिक वेरिएबिलिटी में कोई चेंज आ जाता है, उसे आप जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब ये बाय चांस जो सडन चेंज डेवलप होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी में, ये क्यों डेवलप होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको इसके टाइप से समझ आ जाएगा अच्छे से। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे दो टाइप के हैं, वन इज बॉटलनेक इफेक्ट, अनदर इज फाउंडर इफेक्ट। दो तरह के जेनेटिक ड्रिफ्ट देखे जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। और इन दोनों इफेक्ट की वजह से किस तरीके से जेनेटिक वेरिएबिलिटी में चेंज आ जाता है या जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस हो जाता है। तो यहां पे चेंज से बेटर है आप ये लिखिए, दिस इज द सडन लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, है ना, सडन चेंज बाय चांस, सडन लॉस बाय चांस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दिस इज ए काइंड ऑफ लॉस एग्जैक्टली। तो बताओ मैं, ये चेंज है बट दिस इज द चेंज ड्यू टू लॉस, तो यहां पे इसको आपको लॉस लिखना है, ठीक है। सो दिस इज द लॉस बाय चांस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, सडन लॉस By chance in allelic frequency or genetic variability. तो genetic variability का suddenly loss हो जाना ही genetic drift है। So this is the sudden loss by chance of genetic variability that you called genetic drift. Drift मतलब खिसक जाना, ठीक है। तो यहां पे bottleneck effect क्या है? bottleneck effect क्या है? अगर हम bottleneck effect की बात करें तो this is the loss of genetic variability due to sharp reduction in population. अगर किसी पॉपुलेशन में, किसी छोटी सी पॉपुलेशन में शार्प रिडक्शन हो जाता है, तो उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एलिल्स हैं, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जीन्स हैं, उनका भी लॉस हो जाता है। और ऐसी पॉपुलेशन जो है उसमें काफ़ी सारे कंसिक्वेंसी डेवलप हो जाते हैं और उस पॉपुलेशन के एक्सटिंक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाती है ऐसी पॉपुलेशन, राइट। इसे आप बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। तो बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है? बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है? दिस इज लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस है ड्यू टू शार्प रिडक्शन इन पॉपुलेशन। दिस इज द लॉस ऑफ
जेनेटिक वेरिएबिलिटी ड्यू टू शार्प रिडक्शन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में शार्प रिडक्शन की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस हो जाता है, इसे बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको बॉटल नेक इफेक्ट क्यों कहते हैं, जैसे कि यहां पे ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, दिस इज ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो इस पॉपुलेशन में काफी सारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखी जाती है, देखिए ये काफी सारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के हेल्प से आपको बता रहा हूं। तो यहां पे थ्री टाइप की जेनेटिक वेरिएबिलिटी देख रहे हैं आप। अब यहां पे बॉटल नेक इफेक्ट बोल रहा हूं मैं, बॉटल नेक इफेक्ट इसको क्यों बोलेंगे आप, अगर सपोज दैट यहां पे ये मैंने उल्टा कर दिया है, इसको सही कीजिए प्लीज, आई वॉज राइट बिफोर, देखिए प्लीज एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए ये कुछ वेरिएबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और यहां पे ये कुछ वेरिएबिलिटीज हैं, ठीक है। देखिए सपोज दैट ये पॉपुलेशन का यहां से डिक्लाइन हो गया, इस पॉपुलेशन का यहां पे डिक्लाइन हो गया, यहां से ये पॉपुलेशन ये गई, ये पॉपुलेशन गई, तो पॉपुलेशन जाने के बाद इसका लॉस हो जाने के बाद यहां पे इस पॉपुलेशन का शेप कैसा आ गया, लाइक ए बॉटल नेक। देखो यहां पे ये बॉटल है, बॉटल नेक जैसी शेप आ गई, क्योंकि यहां से ये पॉपुलेशन का लॉस हो गया और इस पॉपुलेशन का लॉस हो गया, तो यहां पे रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन हुआ, राइट। और रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से यहां पे पॉपुलेशन की शेप कैसी हो गई, बॉटल नेक शेप, इसे आप बॉटल नेक इफेक्ट कहेंगे। आर यू रेडी ऑर नॉट, यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन था कि यहाँ पे बॉटल नेक इफेक्ट क्यों कहते हैं, अगर शार्प रिडक्शन होता है पॉपुलेशन का तो वहाँ पे उस पॉपुलेशन की शेप लाइक ए बॉटल नेक, एक बॉटल नेक जैसी शेप आ जाती है, पॉपुलेशन यूनिफॉर्म नहीं रहती, आगे से पॉपुलेशन नैरो हो गई, जैसे बॉटल होती है बॉटल आगे से नैरो हो जाती है, ऐसे ही पॉपुलेशन यूनिफॉर्म नहीं रहती है, शार्प रिडक्शन से पॉपुलेशन की वो जो शेप आ जाती है वहाँ पे पॉपुलेशन की लाइक ए बॉटल नेक, जैसे कि यहाँ पे शार्प रिडक्शन हो गया पॉपुलेशन का और बॉटल नेक जैसी शेप बन गई, इसलिए इसको बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। सो दिस इज द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस हो गया। अब इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लॉस हो जाने की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे ये आपको समझना है। तो लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी ड्यू टू शार्प रिडक्शन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में शार्प रिडक्शन की वजह से लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो गया। आर यू रेडी ऑर नॉट, इसका एक एग्जाम्पल से मैं इसको आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल चीता पॉपुलेशन इन अफ्रीका, इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, चीता पॉपुलेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में चीते की जो पॉपुलेशन है, राइट, उसमें बॉटल नेक इफेक्ट देखा गया, उसमें क्या देखा गया, बॉटल नेक इफेक्ट चीते की पॉपुलेशन में। द पॉपुलेशन ऑफ चीता, जो चीता पॉपुलेशन है the population of cheetah declined, there is sharp reduction in population of cheetah due to hunting। ये फ्लो चार्ट से मैं आपको बता रहा हूं, हंटिंग की वजह से अफ्रीका में चीता को हंटिंग किया गया और हंटिंग की वजह से उसकी पॉपुलेशन में रिडक्शन हो गया। तो दिस इज द रिडक्शन इन चीता पॉपुलेशन ड्यू टू हंटिंग। और अगर हंटिंग की वजह से पॉपुलेशन का रिडक्शन हुआ है तो उस वो जो चीते को हंटिंग किया गया, यानी कि जो पॉपुलेशन रिड्यूस हुई, इसके साथ साथ यहाँ पे लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी कम हो गई। तो उस चीता की पॉपुलेशन में, यू नो, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होती है वो उतनी कॉम्प्लेक्स होती है, वो उतनी ज्यादा स्टेबल पॉपुलेशन होती है। अगर आप पॉपुलेशन में से, छोटी पॉपुलेशन में से, राइट, कुछ पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए तो उसके साथ साथ कुछ जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे चीता की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई ड्यू टू हंटिंग, इज दैट क्लियर, हंटिंग की वजह से चीता की पॉपुलेशन कम हुई, चीते की पॉपुलेशन लॉस हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हुई
और जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होने की वजह से क्या होगा, यू नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी किस लिए रिक्वायर्ड होती है, यू नो ये जितनी भी ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है, जितनी भी ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है उतने ही सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसी भी एनिमल्स के या किसी भी प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा तभी होते हैं जब वहां पे ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगी तो उसमें कुछ यूजफुल जो जीन्स हैं या यूजफुल जो एलील्स हैं जो कि किसी प्लांट को या किसी एनिमल को डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है, उनके लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा ही इस पॉपुलेशन में हुआ, चीते की पॉपुलेशन कम हो गई हंटिंग की वजह से, और उस पॉपुलेशन के साथ साथ वहां पे जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी थी उस पॉपुलेशन में उसका भी रिडक्शन हुआ, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी की का रिडक्शन होने की वजह से वहां पे कुछ सीरियस कंसिक्वेंसेज डेवलप हो गए। जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होने की वजह से सीरियस कंसिक्वेंसी डेवलप हो जाते हैं, और यहाँ पे ये सीरियस कंसिक्वेंसेस क्या थे ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। तो डिक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से क्या हुआ, डेवलप सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस। तो कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस डेवलप हो गए जेनेटिक वेरिएबिलिटी के रिड्यूस होने से। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के रिड्यूस होने से कुछ सीरियस कंसिक्वेंसिस डेवलप हुए, और ये सीरियस कंसिक्वेंसिस क्या थे, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ चीता थी, द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ चीता, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के बाद जो रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ चीता थी, राइट, बिकम वेरी susceptible for deadly disease। तो सीरियस कंसिक्वेंस क्या हुआ यहां पे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाने की वजह से वहां पे ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई बाकी रिमेनिंग चीता पॉपुलेशन की फॉर डेडली डिजीज, और डेडली डिजीज हो जाने की वजह से वहां पे एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ गए, इंक्रीज चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ गए, ठीक है, तो एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ गए चीता की पॉपुलेशन के, क्यों, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस हुआ, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस क्यों हुआ, हंटिंग की वजह से, शार्प डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है बॉटल नेक इफेक्ट का, आर यू रेडी और नॉट। तो यहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप एक टर्म और देते हैं, इसे कहते हैं सीवेल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट को सीवेल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मैंने दो टाइप के बताए, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट में मतलब लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी ड्यू टू सडन लॉस ऑफ पॉपुलेशन, ड्यू टू सडन डिक्लाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सीरियस कंसिक्वेंसेज डेवलप होते हैं, और उन सीरियस कंसिक्वेंसेज की वजह से पॉपुलेशन बिकम वेरी ससेप्टिबल फॉर द डेडली डिजीज, और अगर डेडली डिजीज हो गई पॉपुलेशन में तो वहां पे उस प्रजाति का विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट। तो ये हो गया आपका बॉटल नेक इफेक्ट, इसके बाद है फाउंडर इफेक्ट, सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज फाउंडर इफेक्ट। Now the next topic is founder effect, so listen carefully. तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फाउंडर इफेक्ट्स। अब ये फाउंडर इफेक्ट क्या है, ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक टाइप है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज फाउंडर इफेक्ट। दिस इफेक्ट जनरली ऑब्जर्व्ड इन रेयर एलील्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर एलील्स।
तो रेयर एलिल्स में ये इफेक्ट देखा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर एलिल्स का ये इफेक्ट है, और ये जो इफेक्ट डेवलप होता है ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के डिस्पर्शन की वजह से फाउंडर इफेक्ट देखा जाता है। इफ वेरी फ्यू और सम इंडिविजुअल्स डिस्पर्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल डिस्पर्स कर जाते हैं एट ए सम डिस्टेंस, एट ए सर्टेन डिस्टेंस, किस कुछ निश्चित डिस्टेंस पे कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करके चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद दे बिकम फाउंडर ऑफ द न्यू पॉपुलेशन, वहाँ जाने के बाद वो अपनी एक न्यू पॉपुलेशन, न्यू आबादी बनाते हैं, जिसे कि आप फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, बिकॉज दे बिकम फाउंडर एट दैट प्लेस। तो फाउंडर इफेक्ट क्या है, तो लिसन केयरफुली, हम बात कर रहे हैं फाउंडर इफेक्ट की। तो फाउंडर इफेक्ट कैसे डेवलप होता है, फाउंडर इफेक्ट, दिस इफेक्ट जनरली ऑब्जर्व्ड, इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन रेयर एलील्स एंड देयर कॉम्बिनेशन, कुछ रेयर एलील्स और उनके कॉम्बिनेशन में जो इफेक्ट देखा जाता है उसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, एंड दिस इज ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के डिस्पर्शन की वजह से ये फाउंडर इफेक्ट देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस है, इस प्लेस में काफी सारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखी जाती हैं। सपोज दैट यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखी जाती है, लिसन केयरफुली, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखी जाती है। Is that clear? There are three different types of genetic variability. देखिए यहाँ पे मैंने एक demonstration की help से, एक hypothetical diagram की help से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सब genetic variability है। Suppose that इन genetic variability का dispersion हो जाता है at the different places. तो यहाँ पे genetic variability, कुछ individuals, one, two or few individuals, यहाँ पे दो और दो से कुछ, मतलब very few individuals आप consider कर सकते हैं, right? तो यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके अलग अलग प्लेसेस पे चले गए, तो यहां पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी का रिडक्शन हुआ और जेनेटिक वेरिएबिलिटी उस पॉपुलेशन के साथ डिस्पर्स हो गई। तो फाउंडर इफेक्ट जो है, दिस इफेक्ट जनरली ऑब्जर्व इन रेयर एलील्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलील्स, राइट, इनमें ऑब्जर्व किया जाता है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्पर्सन हो जाता है एट ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्पर्सन हो जाता है, और यहाँ पे ये जितनी भी आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी देख रहे हैं इनका डिस्पर्सन हो गया, मेन पॉपुलेशन से इनका डिस्पर्सन हो गया, तो मेन पॉपुलेशन में यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो गई, यहाँ पे रिड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इस मेन पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो रिड्यूस हो गई, लेकिन इस क्यों रिड्यूस हुई, क्योंकि यहां से इस पॉपुलेशन का डिस्पर्शन हो गया, एंड नाउ ये जो डिस्पर्शन हुआ जेनेटिक वेरिएबिलिटी का, नाउ दिस पॉपुलेशन, दीज आर वेरी फ्यू इंडिविजुअल विल डिस्पर्स फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन से बहुत ही कम इंडिविजुअल वहां से गए और डिस्पर्स हो गए, दूसरे प्लेस पे चले गए, और दूसरे प्लेस पे जाने की वजह से, राइट, दीज बिकम फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन, ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे ये इंडिविजुअल, और रिप्रोडक्शन करने के बाद दीज बिकम फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन, और इनकी वजह से नई पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी, इसे आप फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट ऑब्जर्व इन रेयर एलील्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, राइट, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के डिस्पर्सन की वजह से ये देखा जाता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का डिस्पर्सन हो जाता है, मेन पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और बाकी प्लेसेस पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, और बाकी प्लेस पे वो जाके डिस्पर्स हो गई है, वहां पे जाके वो जो है अपनी और आगे पॉपुलेशन बनाते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उस जेनेटिक वेरिएबिलिटी के साथ जो कि वो वहां पे अपने साथ कैरी करके लेकर गए थे, इसे आप फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। इस फाउंडर इफेक्ट का जो परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस फाउंडर इफेक्ट इज व्हाट, इसका परफेक्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, आपने पढ़ा होगा गैलापागोस आइलैंड। तो डार्विन ने डिफरेंट टाइप की डार्विन फिंचेस को ऑब्जर्व किया, ब्लैक बर्ड्स को, जिनमें कि उनकी बीक की शेप डिफरेंट थी, माना जाता था कि वो जितनी भी फिंचेस थी उनकी फीडिंग हैबिट अलग थी, कुछ कैक्टस ईटिंग फिंचेस थी, कुछ सीड ईटिंग फिंचेस थी, कुछ इंसेक्ट ईटिंग फिंचेस थी, और कुछ फ्रूट्स ईटिंग फिंचेस थी, तो डिफरेंट उनकी फीडिंग हैबिट थी, लेकिन माना जाता है कि वो किसी सीड ईटिंग फिंचेस से ही इवॉल्व हुई। एग्जैक्टली क्या हुआ कि साउथ अमेरिका से वहां पे कुछ ब्लैक बर्ड जो है माइग्रेट करके गैलापागोस आइलैंड पे चले गए, और गैलापागोस आइलैंड पे जाने के बाद वहां पे उनकी
उनमें आपस में रिप्रोडक्शन हुआ और उनमें वहाँ पे वो जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी थी वो जो है वहाँ पे और बढ़ने लगी, यानी कि वहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी के जिसके साथ वो गए थे राइट, वो वहाँ पे एक्सपोज होने लगी और वहाँ पे डिफरेंट करेक्टर्स उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी डेवलप हुए। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है गैलापागोस आइलैंड, डार्विन फिंचेज। तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा राइट। दिस टू डिस्पर्सन ऑफ पॉपुलेशन एंड दिस पॉपुलेशन इज वेरी फ्यू इंडिविजुअल। एंड नाउ दिस फ्यू इंडिविजुअल्स ये जो फ्यू इंडिविजुअल्स थे इंटरब्रीड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं एंड बिकम फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन, और नई पॉपुलेशन के फाउंडर बन गए। यहां पे क्या बन गए? बिकम फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। तो इसी के साथ जेनेटिक इसका एग्जाम्पल और लिखिए प्लीज। डार्विन फिंचेज ऑन गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड इज द चेन ऑफ आइलैंड्स, 22 आइलैंड्स की एक चेन माना जाता है इसको। तो ये हो गया फाउंडर इफेक्ट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कौन सा है, लिसन केयरफुली। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द म्यूटेशन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है किस तरीके से यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करता है ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म में कुछ यूजफुल वेरिएशंस एक्युमुलेट हो जाती है, यूजफुल वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं, वो अपने साथ यूजफुल वेरिएशन को कैरी करते हैं और यूजफुल वेरिएशन जब उनमें डेवलप हो जाती हैं उसके एक्युमुलेशन की वजह से नेचर उनको सेलेक्ट कर लेता है। और जहाँ पे हार्मफुल वेरिएशन डेवलप होते हैं राइट, या जहाँ पे यूजफुल वेरिएशन डेवलप नहीं हो पाते हैं तो नेचर में चेंज होते ही वहाँ पे वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट कर जाती है। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में, और नेचुरल सिलेक्शन वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में नेचुरल सिलेक्शन क्या है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करता है। अब नेचुरल सिलेक्शन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज देखिए प्लीज लिसन केयरफुली। अनदर फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस एंड विच कैन अफेक्ट दी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। दैट इज जिसे कि आप नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। Our next topic is natural selection. Natural selection की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए natural selection क्या है, development of some useful variation, कुछ useful variation का development होता है and that results to adapt the organisms, जो कि ऑर्गेनिजम्स के को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। तो कुछ यूजफुल वेरिएशन डेवलप हो जाता है हमारे नेचर में और वो यूजफुल वेरिएशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेचर में अडेप्ट करने के लिए हेल्प करता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। तो दिस यूजफुल वेरिएशन
कैन इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को बढ़ाने का काम करता है ये यूजफुल वेरिएशन, राइट। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस जितने ज्यादा बढ़ेंगे उनमें रिप्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा दैट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स टू व्हाट, रिजल्ट्स टू नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि वहां पे उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एंड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन, इंक्रीज द दैट रिजल्ट्स टू इंक्रीज द रिप्रोडक्शन ऑल्सो। तो रिप्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहां पे वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जरूर बढ़ेगी। अब ये नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को नेचुरल सिलेक्शन भी, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएशन डेवलप हो रहे हैं, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन दैट इज डन बाय द नेचर, और नेचर कैसे करता है वहाँ पे यूजफुल वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं नेचुरली, और वो यूजफुल वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बढ़ता है तो रिप्रोडक्शन रेट भी बढ़ता है, उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ती है, और यहाँ पे एलेलिक फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यूजफुल वेरिएशन अगर डेवलप हो रहा है, किसी भी तरह का वेरिएशन डेवलप हो रहा है तो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज पे चेंज पड़ता ही पड़ता है, तो यहाँ पे एलेलिक फ्रीक्वेंसीज भी बदल जाएंगी। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस सॉल्यूशन केयरफुली। सो दिस नेचुरल सिलेक्शन विच इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, थ्री टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। नंबर वन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नंबर टू डायरेक्शनल सिलेक्शन, एंड नंबर थ्री डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये तीनों टाइप के सिलेक्शंस के एग्जांपल्स जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगर बात करें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है क्या, तो यहां पे जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, सो इन केस ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के केस में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में अगर नेचर ऐसे इंडिविजुअल्स को फेवर करता है जिनके पास मीन कैरेक्टर्स पोसेस हैं, तो अगर नेचर ऐसे इंडिविजुअल को फेवर करे जिसके पास मीन कैरेक्टर वैल्यू प्रेजेंट होती है, उसे आप स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, इफ नेचर फेवर्स दोज इंडिविजुअल्स, अगर नेचर ऐसे इंडिविजुअल्स को फेवर करता है, राइट, हु पोसेस मीन कैरेक्टर वैल्यू, तो मीन कैरेक्टर वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स को अगर नेचर फेवर करता है उसे आप स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। इफ नेचर फेवर द सर्वाइवल ऑफ दोज इंडिविजुअल विच पोसेस द मीन कैरेक्टर वैल्यू, उसे आप स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स पे जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स, राइट। प्रीवियस ईयर्स में काफी सारे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए। सो लिसन केयरफुली, इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है जो मैं बता रहा हूं आपको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया से हम ले लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया के जो लोग होते हैं जनरली, यहाँ पे थ्री टाइप्स के जीनोटाइप्स देखे जाते हैं लोगों में, राइट। इफ यू कंसीडर दिस सिकल सेल एनीमिया को कंसीडर करते हुए, किसी भी पॉपुलेशन में थ्री टाइप के जीनोटाइप्स होते हैं। एक तो ये नॉर्मल वाला जीनोटाइप होता है HbA, राइट, दिस इज पेरीफेरल कैरेक्टर। दूसरा HbA HbS, तीसरा HbS HbS। आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन है, Hb मतलब हीमोग्लोबिन। यहां पे दोनों ही डिफेक्टिव जीन्स हैं, डिफेक्टिव एलील्स है। तो सिकल सेल एनीमिया मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, ये HbS HbS इंडिकेट करता है कि यहां पे ये जो पर्सन है
ये डाई हो जाता है ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया की वजह से डाई कर जाता है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ये जल्दी ही डाई आउट हो जाता है, मर जाता है, इससे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं होता। वहीं अगर हम इसकी बात करें, सच पर्सन डाई इन मलेरियल एंडेमिक, मलेरियल एंडेमिक में ऐसा पर्सन डाई आउट कर जाता है, आर यू गेटिंग और नॉट। लेकिन ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं दिस मीन करेक्टर, इसको नेचर फेवर करता है। कैसे? क्यों? क्योंकि ये मलेरियल रेजिस्टेंट भी है, इसके साथ साथ ये मलेरियल रेजिस्टेंट भी है, और ये देर इज नो इफेक्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्योंकि ये कैरियर है। तो यहां पे ये मीन करेक्टर वैल्यू है, इसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये पेरिफेरल वैल्यू है, इसके सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है, मलेरिया की वजह से मर जाएगा ये। यहाँ पे पूरा सिकल सेल एनीमिया की वजह से मर जाएगा पेशेंट, राइट। लेकिन ये जो पर्सन है बीच वाला, ये मलेरियल रेजिस्टेंट भी है क्योंकि मलेरियल पैरासाइट जो है ऐसे पर्सन की आरबीसीज में किल हो जाता है, मर जाता है, डाई आउट हो जाता है। मलेरियल पैरासाइट ऐसे पर्सन्स पे अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर वैल्यू के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ रहे हैं। एक तो ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं आपको और बता दूं। सेकंड एग्जांपल इज बॉडी वेट, सेकंड एग्जांपल इज बॉडी वेट। ये भी एग्जांपल पूछा गया है, अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी की मैं बात कर रहा हूं, ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, राइट। तो बॉडी वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, अगर न्यू बॉर्न बेबी का एवरेज वेट 7.3 पाउंड होता है, 7.3 पाउंड वेट पे ये बेबी जो है सरवाइव करता है, राइट। बट इफ द बॉडी वेट लेस देन, ये बॉडी वेट लेस देन 5 पाउंड और मोर देन 10 पाउंड, अगर किसी भी बेबी का 10 पाउंड से ज्यादा वजन हो या 5 पाउंड से कम हो, तो ये दोनों पेरिफेरल वैल्यू है, 7.3, 5 और 10 के बीच में आती है, तो वो मीन करेक्टर वैल्यू है। तो मीन करेक्टर वैल्यू 7.3 पाउंड वाले बेबी को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे नेचर जो है मीन करेक्टर वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है, ना कि पेरिफेरल वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है, ना 5 पाउंड को सपोर्ट कर रहा है, ना 10 पाउंड को सपोर्ट कर रहा है। सर्वाइवल के चांसेस किसके हैं? जिसका बॉडी वेट 7.3 पाउंड है, जिस बेबी का, उसको जो है उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि नेचर मीन करेक्टर वैल्यू को फेवर करता है। तो इसको आप स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे 5 पाउंड वाला इंडिविजुअल और 10 पाउंड वाला इंडिविजुअल के का हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, इन दोनों इंडिविजुअल्स का हाई मॉर्टेलिटी रेट होता है, ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं, आर यू गेटिंग ऑन नॉट। इसके बाद नेक्स्ट इज ये हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसके बाद है सेकंड इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो सेकंड वन इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, इफ नेचर फेवर दी पेरिफेरल वैल्यू, किसी एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम कैरेक्टर को अगर नेचर फेवर करता है, इसे आप डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। इफ नेचर फेवर एनी पर्टिकुलर एक्सट्रीम कैरेक्टर, अगर नेचर एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम कैरेक्टर को फेवर करता है, तो उसे आप डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। तो उसे आप क्या कहते हैं? डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? इफ नेचर फेवर एनी एक्सट्रीम कैरेक्टर, अगर किसी एक्सट्रीम कैरेक्टर को नेचर फेवर करता है, तो उसे आप डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास, आपको पता है ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले नेचर ने एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम कैरेक्टर को फेवर किया, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नेचर ने दूसरे एक्सट्रीम कैरेक्टर को फॉलो किया, फेवर किया। तो
प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे नेचर ने जिसको फेवर किया वो थी वाइट विंग मॉथ, एक एक्सट्रीम करेक्टर। यहाँ पे सिर्फ दो ही केस हैं, राइट, दो ही करेक्टर हैं, एक डार्क विंग मॉथ, एक वाइट विंग मॉथ। तो नेचर अगर वाइट विंग मॉथ को फेवर करता है वो एक अपना एक्सट्रीम करेक्टर है, अगर नेचर डार्क विंग मॉथ को फेवर करता है वो अलग एक्सट्रीम करेक्टर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर नेचर किसी एक एक्सट्रीम करेक्टर को फेवर करता है दोनों में से तो उसे आप डायरेक्शनल सिलेक्शन कहेंगे। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसके बाद जो तीसरा सिलेक्शन है वो है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, अगर हम डिसरप्टिव सिलेक्शन की बात करें तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर दोनों पेरिफेरी करेक्टर को फेवर करता है, मीन करेक्टर वैल्यू को नेचर फेवर नहीं करता है। अगर नेचर मीन करेक्टर वैल्यू को फेवर नहीं करता है तो वो डिसरप्टिव सिलेक्शन है। तो याद रहे ये, तो डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या है, इफ नेचर डज नॉट फेवर द मीन करेक्टर वैल्यू, अगर मीन करेक्टर वैल्यू को नेचर फेवर नहीं करता है, राइट, ये लाइन बाद में लिखते हैं, पहले दूसरी लाइन लिखते हैं, राइट, जो एक्यूरेट लाइन क्या है इसकी, इफ नेचर फेवर दी टू पेरिफेरल करेक्टर्स, राइट, ये मेनली इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। इफ नेचर फेवर्स दी टू पेरिफेरल करेक्टर्स, अगर नेचर दो पेरिफेरल करेक्टर्स को फेवर करता है इसे आप डिसरप्टिव सिलेक्शन कहते हैं। इन दिस केस नेचर डज नॉट फेवर एनी एक्सट्रीम करेक्टर और मीन करेक्टर्स, डज नॉट फेवर टू द मीन करेक्टर वैल्यू। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया टोल एंड ड्वार्फ प्लांट में, या तो टोल प्लांट आए या फिर ड्वार्फ प्लांट आए, कोई मीडियम हाइट वाला प्लांट डेवलप नहीं हुआ। अगर कोई मीडियम हाइट वाला प्लांट डेवलप नहीं हुआ, आइदर टोल प्लांट डेवलप होता है आइदर ड्वार्फ प्लांट डेवलप होता है। टोल और ड्वार्फ दो पेरीफेरल वैल्यूज हैं, तो नेचर दो पेरीफेरल वैल्यूज को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो बीच वाला करेक्टर है मीडियम हाइट वाले प्लांट को नेचर ने फेवर नहीं किया है, नेचर ने सपोर्ट नहीं किया है। सिर्फ दो पेरीफेरल वैल्यू करेक्टर वाले जो दो पेरीफेरल वैल्यू वाले जो करेक्टर हैं उन्हीं को नेचर ने फेवर किया है, तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है टोल एंड ड्वार्फ प्लांट इन मेंडेलिज्म। एग्जांपल टोल एंड, क्योंकि टोल भी एक पेरीफेरल करेक्टर है, ड्वार्फ भी एक पेरीफेरल करेक्टर है, मीडियम हाइट प्लांट नहीं आता है क्योंकि नेचर उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ये डिसरप्टिव सिलेक्शन है। टोल एंड ड्वार्फ हाइट प्लांट्स, ड्वार्फ हाइट पी प्लांट, तो टॉल एंड ड्वार्फाइट पी प्लांट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये डिसरप्टिव सिलेक्शन का एग्जांपल है। इसके ग्राफ पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया है, आप देखना एनसीईआरटी बुक में, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के थ्री ग्राफ दिए हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का भी ग्राफ दिया है, डायरेक्शनल सिलेक्शन का भी ग्राफ दिया है और डिसरप्टिव सिलेक्शन का भी ग्राफ दिया है। तो इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सो लिसन केयरफुली। ध्यान दीजिए प्लीज, तो यहां पे जो ग्राफ है देखिएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ, ये ऊपर वाली जो एरो है ये इंडिकेट करती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप, ये वाली लाइन ये इंडिकेट करती है। यहां पे एग्जैक्टली क्या है कि मीन करेक्टर वैल्यू को फेवर करता है, अगर नेचर मीन करेक्टर वैल्यू को फेवर करेगा तो ये लाइन जो पीक होगी ये नैरोअर, ये जो पीक होगी यहाँ पे जो बीच में सेंटर में जो लाइन है ये मीन करेक्टर वैल्यू को शो करती है, और इसकी जो पीक जो होगी वो क्या होगी, पीक नैरोअर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नैरोअर हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी ये पीक। आर यू गेटिंग ऑर नॉट, लॉन्गर एंड नैरोअर, ये स्टेबलाइजिंग का ग्राफ है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ है।
यानी कि इसमें मेन करेक्टर वैल्यू को सपोर्ट करता है नेचर, तो बीच वाली जो लाइन है राइट ग्राफ में बीचों बीच से उस वो नैरोअर हो जाएगी और लॉन्गर हो जाएगी, इज दैट क्लियर, पीक जो है नैरोअर और लॉन्गर हो जाएगी। वहीं दूसरा कौन सा था आपका, डायरेक्शनल में ये पीक जो है एक तरफ बदल चेंज हो जाती है, पीक का जो प्लेस है वो बदल जाएगा, पीक यहाँ की बजाय यहाँ पे आ गई, देखिए पीक जो है बदल गई, पीक शिफ्ट टू वन एंड, तो यहाँ पे पीक शिफ्ट टू वन एंड, एक दूसरे एंड पर पीक चली गई है, क्योंकि यहाँ पे एक एंड पे चली गई है, यानी कि इसका मतलब यह कि क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर को नेचर सपोर्ट कर रहा है, किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू करेक्टर को नेचर सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पीक एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसे आप डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मोथ है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ऐसे ही डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है कि नेचर दो पेरीफेरी करेक्टर्स को सपोर्ट करता है, नेचर जो है दो पेरीफेरी करेक्टर्स को फेवर करता है, अगर नेचर दो पेरीफेरी करेक्टर को फेवर करेगा तो दो पेरीफेरी, एक पेरीफेरी एरा और दूसरा पेरीफेरी एरा, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, दो पीक आपको नजर आएगी और बीच में एक डिप्रेशन नजर आएगा, जहां पे आपको दो पीक और एक सेंटर में डिप्रेशन नजर आ रहा है, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मेन करेक्टर वैल्यू को नेचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ दो पेरीफेरी करेक्टर वैल्यू को नेचर सपोर्ट कर रहा है, सच काइंड ऑफ ग्राफ फॉर डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये तीनों ग्राफ एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग है, जिसको आप म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन इज ऑल्सो ए फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट दी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, राइट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए म्यूटेशन, दिस इज अनदर फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस दी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो म्यूटेशन किस तरीके से हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, सडन रैंडम चेंज, दैट यू कॉल्ड म्यूटेशन। तो सडन चेंज एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में, यू नो एलिल्स में या जीन्स में सडन चेंज आने की वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा, सडन चेंज का मतलब होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन डेवलप होने की वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन टेक प्लेस करता है, उन चेंजेस की वजह से क्या टेक प्लेस करता है, इवोल्यूशन टेक प्लेस करता है। तो ध्यान दीजिएगा म्यूटेशन, लिसन केयरफुली, देखिए म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं यहां पे, म्यूटेशन दिस इज द सडन एंड रैंडम चेंज, सडन एंड रैंडम चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप म्यूटेशन कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल में सडन और रैंडम चेंज आ जाता है, जिसे कि आप म्यूटेशन कहते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो चेंज होता है ये डायरेक्शन लेस होता है, क्या होता है ये, डायरेक्शन लेस, जैसे कि मैं आपको पहले ही मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में बता चुका हूं कि दिस इज डायरेक्शन लेस प्रोसेस। अब बात करते हैं यहां पे म्यूटेशन की वजह से अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा तो वहां पे एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में भी चेंज आएगा, और अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आया तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट में यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको आप कहते हैं लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट। This Lederberg experiment was performed by Lederbergs. तो लीडरबर्ग ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इसलिए इसको लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट को रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट म्यूटेशन का नेचर बताता है। अब म्यूटेशन का नेचर कैसा होता है, ये एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ म्यूटेशन एग्जैक्टली। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को बताने का मेरा पर्पज यही है, जिससे कि आपको म्यूटेशन के नेचर के बारे में पता चल सके। ये एक्सपेरिमेंट म्यूटेशन के नेचर को डिफाइन करता है। इस एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया दो डिफरेंट साइंटिस्ट, और दोनों साइंटिस्ट का सरनेम कॉमन था लीडरबर्ग, right, that's why this experiment is called Lederberg experiment. This experiment was performed by ye experiment kisne performed kiya, performed by Joshua Lederberg, ek scientist the jinka naam tha Joshua Lederberg aur dusre scientist the jinka naam tha Esther Lederberg,
एस्थर लीडरबर्ग और जोसुआ लीडरबर्ग ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, इस एक्सपेरिमेंट का जो पर्पस था, वो पर्पस क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस था टू डिफाइन द नेचर ऑफ म्यूटेशन, टू डिफाइन द नेचर ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के नेचर को डिफाइन करना इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस था। तो एट द एंड म्यूटेशन के नेचर के बारे में कंफर्मेशन मिली इस एक्सपेरिमेंट से, और वो म्यूटेशन का नेचर कौन सा था ये मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट में समझा रहा हूँ। सो लिसन केयरफुली, मैं यहाँ पे म्यूटेशन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि म्यूटेशन का नेचर कैसा है। इस एक्सपेरिमेंट से आप प्रूफ कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को एक सिंपल डायग्रामेटिक फॉर्म से हम समझ सकते हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे समझ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया लीडरबर्ग ने, ये आपको पता होना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में लीडरबर्ग ने ली एक मास्टर प्लेट, ये आप देख रहे हैं, दिस इज ए मास्टर प्लेट, दिस इज राइट, ये एक मास्टर प्लेट है जो कि लीडरबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में मास्टर प्लेट इस्तेमाल की। इस मास्टर प्लेट में उसने जो है बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो कराया। किसको ग्रो कराया? डिफरेंट बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो कराया। तो यहां पे बैक्टीरियल कॉलोनीज बनी, क्या बनी यहां पे? बैक्टीरियल कॉलोनीज, ये यहां पे बैक्टीरियल कॉलोनी है, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल कॉलोनी, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है यहां पे एक एगार मीडियम में, यू नो एगार, एगार एक मीडियम होता है, उसमें इन्होंने बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन कराया, बैक्टीरियल कॉलोनी को डेवलप किया, राइट। इस प्लेट को आप मास्टर प्लेट कहते हैं, इस प्लेट को आप मास्टर प्लेट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मास्टर प्लेट, दिस प्लेट इज कॉल्ड मास्टर प्लेट, इसको मास्टर प्लेट कहा जाता है यहां पे। और यहां पे जो बैक्टीरियल कॉलोनी है ये है विदाउट पेनिसिलिन। यहां पे इन्होंने एक एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन मास्टर प्लेट में उन्होंने कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लिया, विदाउट पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स थी। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि इस मास्टर प्लेट को प्रेस किया एक वेलवेट डिस्क पे। यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द डायग्राम ऑफ वेलवेट डिस्क दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। यहां पे वुडन ब्लॉक में एक वेलवेट डिस्क को डेवलप किया, दिस इज द वुडन ब्लॉक, इस वुडन ब्लॉक पे यहां पे उन्होंने वेलवेट डिस्क को बनाया। किसको? दिस इज वेलवेट डिस्क, दिस इज वेलवेट डिस्क। उन्होंने एक वुडन बॉल के, वुडन ब्लॉक के साथ वेलवेट डिस्क को रखा, यहां पे वेलवेट डिस्क का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, अपने पहले फर्स्ट स्टेप्स में इसने क्या किया, इसने पहले स्टेप्स में प्रेस दी बैक्टीरियल कॉलोनी, इसको प्रेस किया वेलवेट डिस्क पे। यहां पे ये जो मास्टर प्लेट थी इसको वेलवेट डिस्क पे प्रेस किया, किसने? लीडरबर्ग ने मास्टर प्लेट को जो है वेलवेट डिस्क पे प्रेस किया। इसके बाद जब उन्होंने इस मास्टर प्लेट को इस वेलवेट डिस्क पे प्रेस किया, यानी कि इसको ऐसे का ऐसे उठा के इस पे प्रेस कर दिया, इसको प्रेस करने का जो पर्पस था, मैंने बोला इसको रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे ही इस बैक्टीरियल कॉलोनी वाली डिस्क को वेलवेट डिस्क पे इस तरीके से प्रेस किया गया, तो प्रेस करने से क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया जो है इस वेलवेट डिस्क के साथ एडहेयर कर गए, कुछ बैक्टीरिया वेलवेट डिस्क के साथ चिपक गए। मास्टर प्लेट में ऑलरेडी बैक्टीरियल कॉलोनी है और उस बैक्टीरियल कॉलोनी वाली प्लेट को वेलवेट डिस्क पे प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, बैक्टीरियल कॉलोनी वाली प्लेट से बैक्टीरिया एडहेयर कर जाएंगे वेलवेट डिस्क के ऊपर। तो पहला ये स्टेप परफॉर्म किया, उसके बाद प्रेस करने के बाद सेकेंड स्टेप में इन्होंने इसके ऊपर प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद मास्टर प्लेट को सेकेंड स्टेप में इन्होंने रिमूव कर लिया, यहां से प्रेस करके हटा लिया। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने एक दूसरी प्लेट ली, दूसरी कल्चरल प्लेट ली बैक्टीरियल कॉलोनी की, राइट, नॉट बैक्टीरियल कॉलोनी, सिर्फ एक कल्चरल प्लेट ली, और उस प्लेट में उन्होंने पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम को रखा, राइट। एक तो मास्टर प्लेट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ली, और एक दूसरी पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट। तो दूसरी जो प्लेट ली उन्होंने, उसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स था, पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट, तो पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट का इस्तेमाल किया। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या काम किया, पहले तो उन्होंने मास्टर प्लेट को प्रेस किया था वेलवेट डिस्क पे, राइट, वहां पे बैक्टीरिया एडहेयर कर गए, और उन्होंने फिर उस मास्टर प्लेट को वहां से हटा लिया। अब तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या काम किया कि ये जो पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है यहाँ पे थर्ड स्टेप में, उसको प्रेस कर दिया, जो कि एक पेनिसिलिन
कंटेनिंग प्लेट है। तो जैसे ही उसने उसको इस पे प्रेस किया तो यहाँ पे जो एडहेयर किए थे बैक्टीरिया, यहाँ पे जो बैक्टीरिया चिपके थे मास्टर प्लेट से, वो पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट पे आ जाते हैं। और फोर्थ स्टेप में पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट पे, राइट, फोर्थ स्टेप में इस पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे वो देखता है, लीडरबर्ग ने देखा कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जब मास्टर प्लेट को वेल्वेट डिस्क पे प्रेस किया गया तो बैक्टीरिया जो है यहाँ पे वेल्वेट डिस्क पे एडहेयर कर गए। अब यहां से वो बैक्टीरिया कौन सी प्लेट पे जाएंगे, पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट पे जाएंगे। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। जब इस पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट को यहाँ पे वेल्वेट डिस्क पे इस प्लेट को प्रेस किया गया तो वो जो बैक्टीरिया है वो उस पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट में एंटर कर गए। लेकिन पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है। तो यहाँ पे जितनी यहाँ पे आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखाई दे रही है वो उतनी बैक्टीरियल कॉलोनीज यहाँ पे डेवलप नहीं होगी, यहाँ पे वेरी फ्यू बैक्टीरियल कॉलोनीज विल डेवलप। तो देखिए यहाँ पे एक बैक्टीरियल कॉलोनी दिखाई दे रही है और ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पे बनी है ये पेनिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरियल कॉलोनी है। पेनिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरियल कॉलोनी, आर यू गेटिंग और नॉट, ये एक्सपेरिमेंट लीडरबर्ग ने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे पहले उसने मास्टर प्लेट को प्रेस किया, बैक्टीरिया को एडहेयर किया वेल्वेट डिस्क के साथ, उसके बाद पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट को उसने जो है प्रेस किया और प्रेस करने के बाद उस पेनिसिलिन कंटेनिंग प्लेट को वहां से हटा दिया, उसको वहां से रिमूव कर दिया, राइट। और रिमूव करने के बाद वो देखता है कि जितनी भी बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है ऑलमोस्ट बैक्टीरिया उस पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक्स है उसमें किल हो जाते हैं, बट वेरी फ्यू बैक्टीरियल कॉलोनी वॉज देयर। तो वहां पे बहुत ही कम बैक्टीरिया कॉलोनी थी वहां पे, राइट, वेरी फ्यू बैक्टीरियल कॉलोनीज वर देयर ऑन पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। दैट इंडिकेट कि वो जो कॉलोनी थी वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी थी, वो एक पेनिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी थी, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एट द एंड फिर उन्होंने क्या काम किया कि वो जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी डेवलप हुई, यहां पे दो व्यूज निकल कर आते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट, बस इतना ही एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया और यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। कंक्लूजन तो मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पे एग्जैक्टली दो व्यूज आते हैं। यहाँ पे एक व्यू ये आता है कि सपोज दैट कि वहां पे उसने जो पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम का इस्तेमाल किया तो पेनिसिलिन जो है एक नया एनवायरमेंट डेवलप करता है बैक्टीरिया के लिए। तो यहाँ पे आप टू व्यूज लगा सकते हैं, एक तो डार्विनियन व्यू और दूसरा लैमार्कियन व्यू। सपोज दैट यहाँ पे आप लैमार्कियन व्यू लगाते हैं, आर यू गेटिंग ऑन नोट, तो आप लैमार्कियन व्यू लगाते हैं। लैमार्क ने अपनी थ्योरी में बोला था कि जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है तो न्यू नीड्स डेवलप हो जाती है और वो न्यू नीड्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो पेनिसिलिन इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब है यहाँ पे इन्वायरमेंट बदलना। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इन्वायरमेंट बदलना, आपने बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट बदल दिया। तो लैमार्कियन व्यू ये कहता है कि जो यहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं उसमें जो चेंज इंड्यूस किया है वो पेनिसिलिन ने किया है, नए एनवायरनमेंट ने बैक्टीरिया में चेंज इंड्यूस कर दिया। और नया एनवायरनमेंट क्या था, पेनिसिलिन। तो पहला व्यू, तो लैमार्कियन व्यू की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, लिसन केयरफुली मैं लिखता हूं यहां पे। तो यहां पे दो व्यूज आप बना सकते हैं, राइट। देखिए लिसन केयरफुली, देयर वर टू व्यूज डेवलप due to the Lederberg experiment और replica plating experiment। तो यहाँ पे जो पहला view था वो था Lamarckian view। तो Lamarckian view के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है कि जो new environment है, penicillin जो है एक नया environment है, that induce the mutation। penicillin ने mutation induce किया in बैक्टीरिया और बैक्टीरिया क्या बन गए, एंड नाउ बैक्टीरिया बिकम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। तो पहला व्यू तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू लैमार्क कि पेनिसिलिन एक नया एनवायरनमेंट बना बैक्टीरिया का और उस नए एनवायरनमेंट ने वहां पे उसके अंदर, राइट, म्यूटेशन को इंड्यूस किया और उस म्यूटेशन की वजह से वो जो कैपेबल हो गया बैक्टीरिया जो है सर्वाइवल के लिए कैपेबल हो गया। एक व्यू तो ये कहता है, बट इस व्यू में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको बताऊंगा, लिसन केयरफुली। नाउ बैक्टीरिया बिकम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एंड ग्रो, ए वेरी फ्यू कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया बिकम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट।
तो ये सभी बैक्टीरिया को इसने इंड्यूस नहीं किया, सिर्फ बहुत ही फ्यू बैक्टीरियाज को इंड्यूस किया, और उसी में बैक्टीरिया में पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, वेरी फ्यू बैक्टीरिया में पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एबिलिटी को डेवलप हुआ, रेजिस्टेंट एबिलिटी डेवलप हुई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद दूसरा जो व्यू है डार्विनियन व्यू के हिसाब से देखा जाए तो म्यूटेशन जो है वो पेनिसिलिन आने के बाद नहीं डेवलप हुआ है, म्यूटेशन ऑलरेडी है, म्यूटेशन जो है यहाँ पे वो पहले से ही था। कि जो बैक्टीरिया है, वेरी फ्यू बैक्टीरिया कैरी सम म्यूटेंट जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया इन पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो ये डार्विनियन व्यू था। तो दो व्यूज निकले यहाँ पे, फिर दोनों व्यू को मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है। तो डार्विनियन व्यू ये कहता है कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपने देखे ऑलरेडी कैरी दी म्यूटेंट जीन, वो ऑलरेडी म्यूटेंट जीन को कैरी करते हैं, ऑलरेडी कैरी दी म्यूटेंट जीन को कैरी करते हैं दैट कॉज द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ पे दो व्यूज आते हैं। लैमार्कियन व्यू ये कहता है कि पेनिसिलिन की वजह से म्यूटेशन इंड्यूस हुआ, जबकि डार्विनियन व्यू ये कहता है कि म्यूटेशन पेनिसिलिन की वजह से इंड्यूस नहीं हुआ है, म्यूटेशन तो ऑलरेडी म्यूटेंट जीन तो उसमें था। आर यू गेटिंग और नॉट? तो दो व्यूज यहाँ पे डेवलप हो गए। अब इन दोनों व्यूज में से कौन सा व्यू सही है, कौन सा व्यू गलत है, इसके लिए लीडरबर्ग ने क्या काम किया, ये जो मास्टर प्लेट में विदाउट जो पेनिसिलिन बैक्टीरियल कॉलोनी थी, उन बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या काम किया, पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालना स्टार्ट किया। तो यहां पे पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालना स्टार्ट किया और वो देखता है क्या, तो यहां पे ये पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम देख रहे हैं आप, पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, तो यहां पे पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है ये, दिस बोथ आर पेनिसिलिन कंटेनिंग सॉल्यूशन। इन बैक्टीरियल कॉलोनीज को आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद यहां से इंट्रोड्यूस इन पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, तो यहां पे अलग से भी उसने पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में कॉलोनीज को अलग अलग निकाल के देखा, राइट? इज दैट क्लियर? तो एक केस में वो क्या देखता है, एक केस में वो देखता है राइट, इसको उसने पैक कर दिया राइट। तो एक इसमें पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, इस केस में वो देखता है नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एक जो है सेंसिटिव कॉलोनी को ऑब्जर्व करता है वो, और दूसरी जो कॉलोनी है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी जाती है, यानी कि दूसरी कॉलोनी में ग्रोथ देखी जाती है, यानी कि जो ग्रोथ देखी गई है वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, तो यहां पे उसने कॉलोनीज को रिकॉग्नाइज भी किया कि कौन सी कॉलोनी, तो ये जो कॉलोनी है पेनिसिलिन कंटेनिंग पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियल कॉलोनी है, और बाकी जो कॉलोनी है वो सेंसिटिव है पेनिसिलिन के लिए, उनकी ग्रोथ टेक प्लेस नहीं की जाती। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस डायग्राम से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना। तो यहाँ पे एट द एंड जो कंक्लूजन हम निकालते हैं, तो जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला, इस एक्सपेरिमेंट का जो अल्टीमेट एम था वो ये था कि हमें म्यूटेशन का नेचर फाइंड आउट करना है, और हमने म्यूटेशन का नेचर ये फाइंड आउट किया कि म्यूटेशन जो है वो प्री एडेप्टिव है, पेनिसिलिन म्यूटेशन इंड्यूस नहीं करता है, इन्वायरमेंटल चेंज के बाद म्यूटेशन नहीं होता है, म्यूटेशन तो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में है जो कि उसको चेंज इन्वायरमेंट में कैपेबल बनाता है सर्वाइव करने के लिए। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि म्यूटेशन जो है वो प्री एडेप्टिव है। तो लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद एक ही कंक्लूजन नजर आया, वो ये आया कि म्यूटेशन इज प्री एडेप्टिव, ऑलरेडी यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसी है जिसमें कि ऑलरेडी म्यूटेशन हो चुका है, वो ऑलरेडी म्यूटेंट जीन को कैरी कर रहा है। तो यहां पे इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है? लैमार्कियन व्यू यहां पे अप्लाई नहीं होता है, म्यूटेशन इज प्री एडेप्टिव, म्यूटेशन तो ऑलरेडी है,
बट म्यूटेशन तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो उस इन्वायरमेंट से एक्सपोजर मिलेगा, और जब इन्वायरमेंट से एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो म्यूटेशन एक्सप्रेस नहीं करेगा। म्यूटेशन लेकिन है ऑलरेडी, बट इन्वायरमेंट के एक्सपोजर के बाद म्यूटेशन एक्सपोज करता है, म्यूटेशन एक्सप्रेस करता है। म्यूटेशन इज फ्री एडेप्टिव एंड ओनली एक्सप्रेस आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट के एक्सपोजर के बाद ही वो एक्सप्रेस कर पाता है, उस इन्वायरमेंट के एक्सपोजर के बाद ही वो रजिस्टिविटी को डेवलप कर पाता है पेनिसिलिन में। तो म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकते हैं, इज दैट क्लियर? हार्मफुल के साथ साथ म्यूटेशन यूजफुल भी होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। राइट, हार्मफुल तो होते ही हैं बट यूजफुल भी होते हैं। इसी के साथ आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल डन, और इसी के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इज ऑल्सो डन। राइट, अब इसके बाद जो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।